पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड चैप्टर कूलम्स लॉ। तो हम लोग हेडिंग डालें सेकंड चैप्टर कूलम्स लॉ। कूलम्ब का नियम, देखिए बाबू, दो आवेशों के बीच, जैसे न्यूटन ने बताया था कि दो मासेस को, दो द्रव्यमान को एक दूसरे से जब हम कुछ दूरी पर रखते हैं तो दोनों द्रव्यमान एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है। जिस आकर्षण बल का नाम हम लोग क्या दिए थे, गुरुत्वाकर्षण बल। और वो बताए, न्यूटन ने बताया, क्या बताया कि ये जो दो मासेस हैं उसके बीच जो आकर्षण बल लगता है वो समानुपाती होता है द्रव्यमानों के गुणनफल का, और व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग का। मतलब हम जैसे जैसे दूरी बढ़ाते हैं दोनों के बीच का आकर्षण बल क्या होता है, घटता है। बिल्कुल होता है ऐसा चीज। आप देखो, वो पत्थर को लो एक सब नीचे, या एक पत्थर को लो ऊपर, तो क्या होगा, जो नीचे का पत्थर है छोड़ो तो नीचे का पत्थर पहले जाएगा किसकी तुलना में, ऊपर वाले पत्थर से। मतलब डिस्टेंस हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, दोनों के बीच का बल घटता है। इसी तरह है कि मास जब बढ़ाते हैं हम तो बल का मान बढ़ता है। जैसे देखिए, एक पत्थर को गिराइए, एक रुई को गिराइए, तो पत्थर जल्दी गिरता है किसकी तुलना में, रुई। क्यों? क्योंकि रुई का मास कम है। तो न्यूटन ने बोला कि दो मासेस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं वो निर्भर करता है द्रव्यमानों के गुणनफल के और दूरी के वर्ग का, ठीक है। मतलब द्रव्यमान को हम बढ़ाएंगे तो बल बढ़ेगा, और दूरी जब हम बढ़ाएंगे तो बल का मान क्या होगा, घटेगा। बिल्कुल इसी तरह से कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने बताया, कूलम्ब ने क्या बताया बाबू, कि दो समान आवेश, मान लीजिए दोनों चार्ज प्लस प्लस है या दोनों चार्ज माइनस माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करता है, विकर्षित करता है। ध्यान रखिएगा, एक दूसरे को क्या करता है, विकर्षित करता है, और जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। मतलब विपरीत आवेशों में आकर्षण बल लगता है जबकि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल या विकर्षण बल लगता है। और ये बल कितना लगता है, कितना बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित या विकर्षित करता है, उसके लिए कूलम्ब ने नियम दिया, जो नियम बिल्कुल बिल्कुल किस पर आधारित था, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम था। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, न्यूटन ने दिया। और उन्होंने क्या कहा था कि दो द्रव्यमान जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं तो उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा दोनों के बीच का आकर्षण बल होगा, और दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दूरी बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, घटेगा। आप जानते हो, आकाश केजी का कोई वस्तु लो, पहला मंजिला पर रहो और एक को चौथा मंजिला पर डालो, तो पहला मंजिला वाला गिराएगा तो पहले जाएगा, चौथा मंजिला वाला बाद में जाएगा, नहीं। तो हम कहते हैं कि डिस्टेंस बढ़ता है तो बल का मान क्या होता है, घटता है। जबकि मासेस बढ़ते हैं, जितना भारी रहेगा उतना तेजी से वो सतह पर आएगा, ठीक है। तो मास बढ़ता है तो बल बढ़ता है, दूरी बढ़ता है तो बल का मान घटता है। बिल्कुल इसी की तरह से उन्होंने कहा, कूलम्ब ने कहा कि जब दो आवेशों को, आवेश किसमें होता है, ध्यान रखना, आवेश उसी में होगा जिसमें मास होगा। देखो, इस वस्तु को हम रख रहे तो इसमें क्या उत्पन्न हो गया, मास, जो हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके। तो चार्ज उसी में होता है जिसमें मास होता है, ठीक है। यानी जिस वस्तु में मास है उसी वस्तु में आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। मास जिसका जीरो होगा उसमें हम चार्ज उत्पन्न नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि दो ऐसे वस्तु जो क्या है, आवेशित हैं, जब दोनों वस्तु को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखते हैं तो न्यूटन के अनुसार दोनों के बीच लगने वाला, अगर दोनों समान चार्ज होगा प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो विकर्षित कर देगा एक दूसरे को, अगर प्लस माइनस होगा तो आकर्षित कर लेगा एक दूसरे को। तो दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, आकर्षण विकर्षण किस पर निर्भर कर रहा है, आवेश की प्रकृति पर। अगर दोनों समान है तो विकर्षित कर देगा, अगर एक विपरीत है दोनों तो एक दूसरे को क्या कर देगा, आकर्षित कर देगा। तो दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, जैसे उन्होंने बोला कि मासेस के
गुणनफल के समानुपाती होता है। इसी तरह कलाम ने बोला कि आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना तेजी से दोनों के बीच का आकर्षण होगा, ठीक है। तथा दूरी के वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दो आवेशों के बीच की दूरी आप बढ़ाइएगा तो उसके बीच का आकर्षण या विकर्षण बल क्या होगा, घटता जाएगा। आप देखते हो, आप सिंपल मैग्नेट को देखो तो मैग्नेट देखिए जितना बड़ा बड़ा मैग्नेट होता है उतना तेजी से आकर्षित करता है, यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा बल से आकर्षित करेगा, और जितना हम दोनों के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं बल का मान क्या होता जाता है, घटता जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल कलाम ने उसी तरह से कहा। कलाम ने क्या कहा, सुनिए, कलाम ने क्या कहा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। और ये आकर्षण और विकर्षण में कितना बल लगता है उसके लिए उन्होंने दो नियम दिया, जिस नियम में उन्होंने कहा, पहले नियम में कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल जैसे न्यूटन ने बोला है, बिल्कुल वही। केवल अंतर क्या है, न्यूटन ने मासेस के लिए बोला और ये क्या बोला, वो मास के लिए बोले जिस मास में क्या है, चार्ज है, मतलब आवेशित वस्तु के लिए बोले, ठीक है। देखो दोनों में बिल्कुल सेम, ये मास के लिए, ये किसके लिए, चार्ज के लिए, ठीक है। तो फिर से हम कहेंगे कलाम ने क्या कहा, कलाम ने कहा दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आकर्षण और विकर्षण बल का मान ज्ञात करने के लिए कलाम ने एक नियम दिया, जिस नियम में उन्होंने कहा कि जब दो आवेशित वस्तु को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखते हैं तो उसके बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, कूलम का नियम कहलाता है, ठीक है। तो कूलम का नियम बिल्कुल जैसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, बिल्कुल उसी तरह से, दोनों देखिए सेम है, केवल ये मास के लिए, ये चार्ज के लिए, ठीक है। चलो तो हम लिख लेते हैं सब गुरुत्वाकर्षण नियम, कहा कि क्या कहा, तो कलाम ने कहा कि दो समान आवेश, दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को विकर्षित तथा दो विपरीत आवेश तथा दो विपरीत आवेश, दो विपरीत आवेश एक दूसरे को करते हैं, जिसमें दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण
या विकर्षण, या विकर्षण बल का मान ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए गुलाम ने एक नियम दिया, एक नियम दिया, ठीक है, जिसमें जिसमें उन्होंने कहा कि, जिसमें उन्होंने कहा कि, क्या कहा नियम में, उन्होंने कहा कि जब दो आवेशित वस्तु, या आवेश भी लिख सकते हो क्योंकि आवेश उसी में उत्पन्न होगा जिसमें मास है, तो आवेशित वस्तु या आवेश आप लिख सकते हो, जब दो आवेशित वस्तु को एक दूसरे से, एक दूसरे से कुछ दूरी पर, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है तो उसके बीच लगने वाला विकर्षण बल, करते देते हैं जरा, ये दो चार्ज रखे गए हैं आवेशित वस्तु, एक वस्तु पर चार्ज Q1 है, एक पर Q2 है और दोनों के बीच की दूरी r है। अब दोनों अगर प्लस रहता है, दोनों चार्ज प्लस तो विकर्षित करेगा, दोनों माइनस विकर्षित करेगा, अगर एक प्लस और एक क्या है माइनस तो एक दूसरे को क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो दोनों के बीच जो बल लग रहा है, लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, पहला कहे, पहला पहला क्या था, पहला आवेशों के गुणनफल, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, अर्थात अर्थात F समानुपाती Q1 गुना Q2, इक्वेशन क्या बना फर्स्ट। तो पहला नियम फिर से हम बोल रहे हैं, क्या कहें, जब दो आवेशित वस्तु को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखेंगे, जिस दूरी को हम क्या से दर्शाएं R से, तो उसके बीच क्या लगेगा, बल लगेगा, या तो आकर्षण या तो विकर्षण। तो ये जो आकर्षण या विकर्षण बल लगता है वो किस पर निर्भर करता है, कि आपका आवेश कितना है, जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ज्यादा दूसरे के बीच का बल लगेगा। तो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूसरा क्या बोले, तथा तथा दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक साथ लिखने पर
7 किसके क्यूबन क्यू के और व्युत्क्रमानुपाती किसके हो गया आर स्क्वायर के। ये समीकरण क्या दिखा रहा है कि चार्ज जितना ज्यादा होगा बल उतना ज्यादा लगेगा तथा दूरी जितना ज्यादा होगा दोनों आवेशों के बीच बल का मान उतना कम होगा। हम जानते हैं समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है जिस नियतांक को के से दर्शाए Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया फॉर्मूला आपका बाबू दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का। जहां इक्वेशन को हम कट कर दें, जहां K क्या है तो K समानुपाती नियतांक होता है जिसका मान होता है 1/4 pi epsilon naught epsilon r। ठीक है, कितना मान होता है 1/4 pi epsilon naught epsilon r। ये मान रखा गया, तो अगर इसका मान हम रख दें समीकरण 3 में F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught epsilon r Q1 Q2 / r² ठीक है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला बना। या तो आप इस रूप में याद रखिए F = K Q1 Q2 / r² F = K Q1 Q2 / r² या F = 1/4 pi epsilon naught epsilon r Q1 Q2 / r². ये आया दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जब दोनों आवेश को किसी माध्यम में रखा गया। ठीक है, किसी माध्यम में रखा गया है, दो चार्ज के बीच में कोई माध्यम होगा ना बाबू। ठीक है, तो जब दो आवेश को किसी माध्यम में रखते हैं तो उसके बीच कितना बल लगता है, तो उसके बीच बल लगता है 1/4 pi epsilon naught epsilon r Q1 Q2 / r². अब हम जाने जरा epsilon naught epsilon r क्या है। ठीक है, जहां epsilon naught को कहते हैं हवा या अच्छा epsilon naught को क्या कहते हैं, epsilon naught को कहते हैं हवा या निर्वात या मुक्त आकाश जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्री स्पेस। मतलब दोनों चार्ज के बीच में कोई माध्यम नहीं है, फ्री स्पेस है। ठीक है, हम चार्ज यहाँ मान लो कि एक चार्ज ये पेन, एक चार्ज है ये चार्ज है, तो हम कहेंगे दोनों के बीच में क्या आ जाता होगा, फ्री स्पेस है, खाली जगह है, तो हवा रहे या निर्वात रहे या मुक्त आकाश की निरपेक्ष वैद्युतता तो अपसाइलेंट जीरो पढ़ते हैं उसको, अपसाइलेंट जीरो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं अपसाइलेंट जीरो या अपसाइलेंट नॉट, ये है क्या। तो दो माध्यम दो आवेशों के बीच में अगर हवा रहे या निर्वात रहे या मुक्त आकाश रहे, वहां अगर हम दो चार्ज को रखते हैं तो उसके बीच के माध्यम को हम क्या कहते हैं, उसमें जो होता है epsilon zero उसको हम कहते हैं निरपेक्ष वैद्युतता कहते हैं। ठीक है, तो हवा निर्वात या मुक्त आकाश की यह क्या होती है, निरपेक्ष वैद्युतता होती है। ठीक है, अब सारे इंग्लिश में कहेंगे अब सॉल्यूट, इंग्लिश में कहेंगे अब सॉल्यूट पर मीटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस। ठीक है, अब साइलेंट जीरो क्या हो गया, अब साइलेंट आर क्या है, अब साइलेंट आर ये क्या है, तो अब साइलेंट आर है किसी माध्यम का सापेक्ष वैद्युतता। आर से होता है रिलेटिव, मतलब जब हम दो माध्यमों की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, कि हवा में इतना था, अब हवा में था तो मान लो बल लगा था 9 न्यूटन का, अब
अब हम उसको वाटर में डाल दिए दो चार्ज को, तो अब कितना बल लग रहा। तो जब हम रिलेट करते हैं माध्यम को तो उसे हम कहते हैं सापेक्ष वैद्युतता। तो किसी माध्यम का ये क्या हो गया, सापेक्ष वैद्युतता, किसी माध्यम का सापेक्ष वैद्युतता, जिसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसका नाम क्या दिया गया है, सापेक्ष वैद्युतता। आर से हो गया रिलेटिव, अब सॉल्यूट से हो गया परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। जीरो से हो गया अब सॉल्यूट, अब सॉल्यूट से हो गया परमिटिविटी। तो अब सॉल्यूट परमिटिविटी, अब सॉल्यूट परमिटिविटी क्या कहेंगे, जब दोनों चार्ज के बीच में हवा निवात या मुक्त आकाश होगा। अब सॉलिड आकाश कहेंगे जब दो आवेशों के बीच में कोई माध्यम, पानी में डाल दो कांच में डाल दो, ठीक है, तो दो माध्यम रहेंगे तब। तो रिलेटिव कब कहेंगे, तो हवा की उससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जैसे हवा में दो चार्ज को रख दिए तो मान लो 10 न्यूटन का बल लगा, तो हम कहेंगे कि जब उसको हम कांच में डाले तो कितना बल लग रहा है। तो हम सापेक्ष कर रहे हैं, एक से तुलना कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, सापेक्ष वैद्युतता, जिसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, जहां एप्सिलॉन जी बराबर होता है एप्सिलॉन जीरो गुना एप्सिलॉन डार। यानी जो आपको लिखा गया है एप्सिलॉन जीरो गुना एप्सिलॉन डार, उसके जगह पर हम एप्सिलॉन भी लिखते हैं। और एप्सिलॉन को कहते हैं, देखो दोनों का तुलना हुआ, जिसको कहते हैं किसी माध्यम का निरपेक्ष वैद्युतता, किसी माध्यम का निरपेक्ष वैद्युतता। तो हम रिलेट कर लेते हैं बाबू कि हवा में 10 न्यूटन का बल लगा और जब हम उस चार्ज को पानी में डाले तो 5 न्यूटन का बल लगा, और उसे रिलेट करके एक एब्सोल्यूट वैल्यू लाते हैं कि चलिए इसका इतना था तो इसमें 5 आया। तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू लाते हैं और उसी को कहते हैं किसी माध्यम का एब्सोल्यूट वैद्युतता, मतलब निरपेक्ष वैद्युतता, जिसे कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी माध्यम का सापेक्ष वैद्युतता। जब हम चार्ज को किसी माध्यम में रखेंगे तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, ठीक है, जैसे हम कह देंगे कि पानी में डाल दिए तो उसका फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, तो अब सॉल्यूट वैल्यू आ गया 5 न्यूटन। अब हम कहेंगे कि जब पानी को जब हम हवा में डाले थे तो उसमें फोर्स था उसका कितना, 25 न्यूटन। तो हम कहेंगे सापेक्ष बताओ, और लेख करके बताओ कितना, तो 25 बटा 5, 5 न्यूटन का कहेंगे रिलेटिव, तो 5 रिलेटिव हो जाएगा, हवा में जो था वो निरपेक्ष वैद्युतता हो जाएगा हवा का, और 5 जो माध्यम में था वो क्या हो जाएगा, माध्यम का निरपेक्ष वैद्युतता, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बना बाबू, एफ इक्वल टू क्या आया, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन डार Q1 Q2 / r² एकदम ध्यान रखिएगा, दो चार्ज इसी को और आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन डार को हम एप्सिलॉन भी लिख देते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 / r² तो दो आवेश जब किसी माध्यम में, ये फॉर्मूला कब आया, जब हम किसी माध्यम में दो आवेश को रख रहे हैं, तो जब दो आवेश को किसी माध्यम में, आवेश बोलिए या आवेशित वस्तु बोलिए, जब दो आवेशित वस्तु को जिसमें चार्ज है, आवेशित वस्तु को हम किसी माध्यम में रखते हैं, माध्यम कुछ भी हो सकता है, हवा जल पानी कुछ भी है, ठीक है, किसी माध्यम में रखते हैं तो वो दोनों आवेश कितना बल लगाता है दूसरे पर, तो वो फॉर्मूला बना 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 / r², जहां एप्सिलॉन इक्वल टू क्या कहेंगे, एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर है, ठीक है। अब जरा देखिए, तो हम कह दिए ये समझ गए कि चार्जेस के बीच में फोर्स लगते हैं जब दोनों चार्ज के बीच में माध्यम होता है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि कौन सा माध्यम रहेगा तो क्या होगा। तो पहला लिख रहे हैं इसमें केस फर्स्ट जब दोनों आवेशों
माध्यम हवा या निर्वात, कोई माध्यम नहीं हो तो निर्वात, या मुक्त आकाश हो, मुक्त आकाश हो, यानी हम जो चार्ज को रख रहे हैं वो कहाँ रख रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए फ्री है, हम यहाँ एक चार्ज रख दिए, यहाँ चार्ज रख दिए, तो ये क्या है, मुक्त आकाश में रख दिए, या इसके चारों तरफ क्या है, हवा है, या हम कह देंगे कोई माध्यम नहीं, निर्वात है। तो जब ऐसे माध्यम में चार्ज को रखा जाता है तो कितना फोर्स लगता है, तो ऐसे माध्यम के लिए ध्यान रखना साइलेंट आर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, साइलेंट आर को निरपेक्ष वैद्युतता, निरपेक्ष वैद्युतता, निरपेक्ष वैद्युतता, सॉरी सापेक्ष वैद्युतता, इसे क्या कह रहे थे हम, सापेक्ष वैद्युतता, माध्यम का सापेक्ष वैद्युतता था। तो इसका मान होता है बाबू, हवा या निर्वात में अगर हम रखते हैं चार्ज को तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, वन होता है, ध्यान रखिएगा। हवा या निर्वात या मुक्त आकाश में जब हम दो आवेश को रखते हैं तो उसमें एप्सिलॉन आर, जिसे सापेक्ष वैद्युतता कह रहे थे माध्यम का, उसका वैल्यू कितना होता है, वन होता है। तो हम निकालते हैं कि जब हवा में रखें तो दोनों के बीच बल कितना लगेगा, तो बल का क्या फॉर्मूला था, एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, स्थिर आवेश के बीच यही बल लगता है, एकदम ध्यान रखिएगा, और कोई फोर्स नहीं है। जब आवेश स्थिर होता है तो उसके बीच में कूलामी दिया एक बल के इतना लगेगा, और कोई फॉर्मूला नहीं लगा, वो यही फॉर्मूला है। ये किसमें लगेगा, जब दो चार्ज क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, तो फॉर्मूला एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। हवा में रख दिए, यानी हम दो आवेशों के बीच का बल निकाल रहे हैं, जब दोनों आवेश का माध्यम क्या है, हवा है, तो हवा के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना हो गया, वन हो गया। तो ये फॉर्मूला बना, एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब दो आवेश के बीच का माध्यम हवा हो, या दो आवेश मुक्त आकाश में रखे गए हो, या निर्वात में हो, तो उसके बीच का बल होता है एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर, जहां अच्छा इसको इतना भी लिख सकते हो आप, इसी को एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या मान लो, के, तो के क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर, इस रूप में ध्यान रखना, क्योंकि आगे का फॉर्मूला में हम एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को के से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो के कितना है, एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, के कितना है, एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां के जिसका वैल्यू है एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक नियत मान होता है, जिसका मान होता है 9 गुना 10 को पावर 9, कितना मान होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, 9 गुना 10 को पावर 9, ये किस सिस्टम में होता है, एसआई में, ठीक है। और इतना ही का मान होता है 1, जब इसको आप किस में मापोगे, सीजीएस मात्रक में, तो जब सीजीएस मात्रक में मापोगे तो 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको कितना रखना है, 1 रखना है, और जब एसआई में मापोगे तो 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 पावर 9, कितना होता है, 9 गुना 10 पावर 9, ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है कि जब दो आवेश हवा में रखे रहेंगे तो अब एप्सिलॉन आर का मान 1 होगा, और फॉर्मूला फोर्स का कितना लगेगा दो चार्जेस के बीच, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर, या के क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर। अरे दो चार्ज के बीच में फोर्स लगाना न्यूटन की तरह क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर, ये तो हमको याद ही रहेगा। इसके साथ देखो न्यूटन क्या बोला, न्यूटन बोला एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर, ये गुरुत्वाकर्षण बल था नहीं, इसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे दो आवेशों के बीच लगने वाला, तो क्यू एम वन एम टू की जगह क्या हो जाएगा, क्यू वन क्यू टू अब बटा आर स्क्वायर, और जी जो नियतांक था उसके जगह पर क्या आ जाएगा, के। तो दो आवेशों के बीच का बल क्या हो गया, के क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर। अच्छा जी का मान 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 होता है, इसी तरह के का वैल्यू कितना दिया गया, एक बटा के का वैल्यू कितना दिया गया, एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट दिया गया, और जिसका मान होता है 9 गुना 10 को पावर 9। ये फॉर्मूला केवल कब लगेगा, जब दोनों आवेश के बीच कौन सा माध्यम होगा, हवा या मुक्त आकाश या निर्वात होगा, ठीक है।
अगर हवा मुक्त निर्वात नहीं है तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका? ये माध्यम में आया फॉर्मूला। तो हवा को छोड़कर अगर और कोई माध्यम है तो पूरा फॉर्मूला आपको देना है एक बटा, अरे मेन फॉर्मूला यही ना है जी, मेन फॉर्मूला तो आपका यही आया एक बटा फोर फाइव सालिन नॉट सालिन आर क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर। अब हम डिपेंड देख रहे हैं कि चार्ज किस माध्यम में है। अगर क्वेश्चन में देता है कि चार्ज हवा में है मुक्त आकाश में है तो हम अब सालिन आर का मान वन कर दिए तो फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, तो आपको देखना है कि किस माध्यम में, जब भी आप क्वेश्चन बनाओ तो पहला स्टेप आपको देखना है कि किस माध्यम में रख रहा है। अगर हवा है तो सालिन आर का वैल्यू वन पुट करना है, और अलग अलग है तो उसके लिए अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे। ध्यान रखना बाबू, ये ऑब्जेक्टिव देता है धातु के लिए। अगर दो आवेश के बीच धातु है, धातु के लिए, मेटल के लिए, धातु के लिए जिसको हम बोलेंगे मेटल के लिए, तो मेटल के लिए अब साइलेंट आर का मान इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ध्यान रखना मेटल के लिए अब साइलेंट आर का मान क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। अब साइलेंट आर का मान क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ये ऑब्जेक्टिव में देता है, और भी अलग अलग होते हैं जैसे कि जल, जल में शायद 80 होता है, इस तरह से हमको ध्यान नहीं रखना, वो अलग अलग के लिए अलग अलग अपना निरपेक्ष वैधता का मान होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बना आपका हवा में इतना, और किसी माध्यम में जब रहेगा तो क्या रहेगा? अरे सिंपल, हवा के लिए याद रखो एक बटा फोर फाइव सेवन नॉट केवल क्यू टू बटा आर एस पर। हवा छोड़ के कोई और माध्यम है तो यहाँ पर एक और लग जाएगा सालेटार, और जिस माध्यम के लिए बोलेगा उस माध्यम के लिए सालेटार का मान आपको देगा। ठीक है, वो आपको पुट करना है। चलो, तो चुकी एक बटा फोर पाई अब साइलेंट नॉट का मान कितना आया? कितना आया? 9×10⁻¹। किसमें, किस सिस्टम में आया? एसआई मात्रा में। यहां से अगर हम चाहें कि अब साइलेंट नॉट का मान निकाल ले तो अब साइलेंट नॉट का मान कितना हो जाएगा? तो अब साइलेंट नॉट का मान हो जाएगा आपका, इस अब साइलेंट को इधर कर दो, 9 को इधर, तो 9×36 एक बटा 36 पाई गुना 10⁻¹। ध्यान रखना इतना ही को सॉल्व करोगे तो आएगा 8.85×10⁻¹-12। ठीक है, कितना मान आता है? 8.85×10⁻¹-12। यूनिट लिखना चाहोगे तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी हम दिखाएंगे यूनिट निकाल कर कि कैसे आता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब साइलेंट नॉट जिसको हम क्या बोलते हैं? हवा या निर्वात का निरपेक्ष वैधता, हवा या निर्वात का निरपेक्ष वैधता, उसका मान कितना होता है? 8.85×10⁻¹-12। ठीक है, 8.85×10⁻¹ होता है। ठीक है, ध्यान रखना किस में आया ये बाबू? एसआई में, एसआई यूनिट में। इसी तरह हम बताए या इसी तरह बताए एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट का मान वन होता है किसमें? सीजीएस में। सीजीएस को ही और बोलते हैं बाबू ईएसयू यूनिट, ईएसयू यूनिट। क्वेश्चन में कहीं कहीं मिलेगा ईएसयू, तो घबराना नहीं है। ईएसयू किसका है? सीजीएस को कहते हैं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इससे निकालो अब साइलेंट नॉट का मान, तो वो कितना आ जाएगा? एक बटा फोर पाई। तो अब साइलेंट नॉट का दो मान, अगर ई एस यू में पूछेगा तो आपको एक बटा फोर पाई रखना, और अगर एसआई सिस्टम में पूछेगा तो आपको मान रखना एक बटा 36 पाई गुना 10⁻¹ या 8.85×10⁻¹-12। ठीक है, इतना इसका क्या हो गया? वैल्यू हो गया। अब जरा देखिए, अब हम देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो आगे बढ़ते हैं और देखेंगे, कूलाम के नियम का सदिश रूप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है कूलाम के नियम को? तो वेक्टर फॉर्म ऑफ
लॉन्ग्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? तो जरा देखिए बाबू, फोर्स का फॉर्मूला आया, ये फोर्स का जो फॉर्मूला है आपका, एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन डॉट क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर। ये आप क्या निकाले? केवल मान निकाले। ये क्या आया? बल का मान निकला है, मान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड आया। तो अगर केवल मान पूछता है तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि दो चार्ज के बीच बल लग रहा है तो किस डायरेक्शन में लग रहा है, मान लो ये दो चार्ज है तो ये इसको इधर ढकेल रहा है या ये इसको इधर ढकेल रहा है, दोनों के बीच का डायरेक्शन बताइए क्या है। ठीक है, इधर रख दिए तो किधर डायरेक्शन लग रहा है, तो आपको डायरेक्शन पूछेगा तो हम उसका क्या देंगे? वेक्टर फॉर्म देंगे, क्योंकि वेक्टर क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दर्शाया जाता है। तो अभी जो हम दर्शाए वो क्या दर्शा है? मान। अब डायरेक्शन के लिए, फॉर डायरेक्शन, दिशा के लिए देखिए कैसे दर्शाते हैं। तो डायरेक्शन के लिए, फॉर डायरेक्शन मतलब दिशा के लिए, दिशा के लिए आप लोग पढ़े होंगे बाबू 11th में, दिशा के लिए इकाई सदिश का उपयोग किया जाता है। क्यों? इकाई सदिश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो दिशा के लिए किसका यूज किया जाता है? यूनिट वेक्टर का, इकाई सदिश का, इकाई सदिश का उपयोग किया जाता है। तो डायरेक्शन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? इकाई सदिश का। क्यों इकाई सदिश का उपयोग करते हैं? क्योंकि नाम से इकाई सदिश, यानी वैसा सदिश जिसका मान एक है। तो मान लो कि हम बल का मान निकाल रहे हैं, अब बल का मान 10 न्यूटन आ गया, अब हम कहेंगे इसका डायरेक्शन दर्शाओ। इसके साथ अगर हम इकाई सदिश दर्शाते हैं, जिसको मान लो एन कैप से हम दर्शा रहे हैं, एन कैप इकाई सदिश है, अब हम कहेंगे बताओ कि टोटल मान कितना है, तो 10, इकाई सदिश का मान कितना? 1, 10। तो ये बताओ, इसके मान को नहीं बदला। तो इकाई सदिश का उपयोग हम इसलिए करते हैं कि इकाई सदिश केवल क्या बताएगा? डायरेक्शन को, बल जो मान आया उस मान को ये बदलता नहीं है। 10 × 1 = 10 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये मान को नहीं बदलता है, ये केवल किसको बताता है? दिशा को बदलता है। ठीक है, तो कोई इकाई सदिश है, इकाई सदिश को कैसे लिखते हैं? इकाई सदिश को आप एन से, आर से, जिससे भी दर्शाना है, हम यहाँ आर से दर्शा रहे हैं, तो आर के ऊपर क्या लगता है? कैप लगता है। इकाई सदिश का फॉर्मूला होता है, जो इकाई सदिश है वो वेक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ध्यान दीजिए, आर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को कैसे दर्शाते हैं? उसके ऊपर कैप लगाकर। तो उसका फॉर्मूला होता है आर ऑफ वेक्टर बटा उसका मान। मान को हम क्या लगाते हैं? मॉड लगाकर बताते हैं। ठीक है, कभी भी वेक्टर का मान निकालना है, कोई भी वेक्टर आपको दे दिया, एक्स वाई जेड कोई वेक्टर दे दिया है, तो उसका मान पूछे तो आप क्या लगाओगे? मॉड लगाओगे। तो यूनिट वेक्टर है जिसका मान, देखो यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? वो वेक्टर जिसका मान 1 हो और केवल उसका उपयोग किस में किया जा रहा हो? डायरेक्शन को शो करने में। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, इसका मान 1 हो गया और वो केवल किसको दर्शाएगा? दिशा को दर्शाएगा। तो आप जरा देखिए, ये दो चार्ज हैं, यहाँ हम डायरेक्शन दिखाएंगे, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, दोनों के बीच की दूरी r है। तो ये दोनों जो बल लगाएगा, अगर ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इसको ढकेलेगा इस साइड की ओर और ये इसको ढकेलेगा इस साइड की ओर। ठीक है, तो ये जो बल लगेगा इसी r दूरी में बल लगाएगा। ठीक है, तो r दूरी में बल लगाएगा, तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो 1 का 2 पर बल, मतलब एक लगा रहा है किस पर बल? 2 पर। F12 मतलब क्या हुआ? फोर्स। F12 मतलब क्या हुआ? आवेश। F12 मतलब 1 लगा रहा है किस पर? फोर्स 2 पर। F12 हो गया, देखिए एरो से, डायरेक्शन से पता चल रहा है कि कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है 2 पर। तो आवेश Q2 पर Q1 के द्वारा लगा बल, लगा बल। तो हम बल का मान निकालेंगे किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। देखो ध्यान देना, तो F12 लिख रहे हैं, यहाँ क्या दे दिए? वेक्टर। 1, 2 से क्या पता चलेगा आपको कि 1 लगा रहा है किस पर? फोर्स 2 पर। ये ध्यान रखना, पहले जो रहता है वो बल लगाता है, जो लास्ट रहता है उस पर लगाता है। तो यहाँ 1, 2 लिखे मतलब 1 लगा रहा है किस पर? 2 पर। अगर 2, 1 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 लगा रहा है
मतलब हो गया कि Q1 किस पर बल लगा रहा है, Q2 पर। तो बोलो वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वेक्टर किसे कहते हैं जिसमें मान हो और साथ साथ क्या रहे, दिशा भी रहे। तो हम मान भी लिखेंगे और इसका दिशा भी लिखेंगे। तो मान को हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1/4π ε0। मान लो हवा है दोनों के बीच Q1 Q2 / r2। ये इसका मान हो गया और इसके साथ एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे r कैप। यहाँ 1 2 लिख दो तो r 1 2 जो डायरेक्शन बता रहा है कि 1 से किधर की ओर बदल रहा है 2 की ओर। देखो ना एरो भी वही दिखा रहा है ना, 1 से किधर की ओर लग रहा है 2 की ओर। तो हम कहेंगे कि बताइए 1 2 पर फोर्स लगा रहा है कितना मान है। तो आप मान बोलोगे 1/4π ε0 Q1 Q2 r2 है और हम पूछेंगे डायरेक्शन किधर है, तो कहोगे कि 1 2 की ओर बल लगा रहा है। 1 किसकी ओर बल लगा रहा है, 2 की ओर बल लग रहा है। तो F r 1 2 दिखा दिया कि बल लगा रहा है किसकी दिशा में, 2 की ओर, माने 1 2 को ढकेल रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो अब आगे देखें। तो F 1 2 वेक्टर फॉर्म में लिखे तो मान लिखे, मान कितना आया 1/4π ε0 Q1 Q2 r2 r12 यूनिट वेक्टर। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1/4π ε0 Q1 Q2 r2 और r12 वेक्टर को आप लिख सकते हो r12 वेक्टर / मोड ऑफ r12। ठीक है, लिख सकते हैं। अच्छा r12 का मॉड, अभी तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताया था, बराबर बोलो दूरी जो दोनों आवेश है, एक आवेश यहाँ एक आवेश यहाँ है, दो आदमी समझ लो है, एक आदमी यहाँ एक आदमी यहाँ है, तो दोनों बल कितना दूरी, यही इसी दूरी में ना, ये इधर आके बल लगाएगा या इधर आके, तो जो दूरी होगा जो सदिश का मान होगा कि कितना के बीच लगाया, तो ये तो r दूरी में ही होगा। तो वेक्टर r12 को हम r लिख सकते हैं। तो F12 बराबर क्या हो गया बाबू, 1/4π ε0 Q1 Q2 r2 into ये लिख सकते हैं r12 वेक्टर / r, और इसको सॉल्व करके लिख सकते हो 1/4π ε0 Q1 Q2 r3 into r12। इस रूप में भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली हम लिख दें तो मान कितना है, ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है जिसका मान कितना है 1, ध्यान रखिएगा। तो कोई भी फोर्स का मान और डायरेक्शन दिखाना है तो उसका ये मान हो गया और ये उसका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो आप इतना नहीं ध्यान रखिए, यही मेन चीज ध्यान रखिए, ये मेन चीज हो गया, ये मान हो गया और यूनिट वेक्टर लगाएंगे। जो यूनिट वेक्टर बार बार हम बोल रहे हैं, यूनिट वेक्टर जिसका मान कितना 1, तो ये जो r है इस r का मान कितना होगा, 1 होगा। ये r r2 r2 जो है वो Q1 Q2 के बीच की दूरी है और ये r जो है वो यूनिट वेक्टर है आपका, ठीक है, जिसका मान कितना है 1 है। चलिए और सिमिलरली इसी तरह से हम लिखेंगे F21। तो F21 लिखेंगे मतलब ये क्या हुआ, Q2 चार्ज किस पर बल लगा रहा है Q1 पर। तो लिखेंगे आवेश Q2 का, आवेश Q2 का Q1 पर लगा बल। तो बस बिल्कुल उसी तरह से लिख देंगे। तो F21 बराबर, बोलिए वेक्टर के रूप में है तो मान होगा, मान कितना 1/4π ε0। क्या होता है, दो आवेश हैं, देखो एक Q1 है एक Q2 है। अब Q2 क्या किस पर देख रहे हैं, Q1 पर। मान लो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो Q2 Q1 पर इस डायरेक्शन में लगाएगा, अरे विकर्षण समान में विकर्षण, तो Q2 Q1 को ढकेलेगा। तो ये हो गया 2 लगाया 1 पर, और इधर के डायरेक्शन में कौन लगा देगा, 1 लगा देगा 2 पर। फिर से कह रहे हैं दो आवेशों में क्या होता है, विकर्षण। तो 1 वाला 2 को इधर ढकेलेगा और 2 वाला 1 को इधर ढकेलेगा। अब कितना कितना से ढकेलेगा, तो 1/4π ε0 Q ढकेल रहा है ना Q2, तो Q2
क्यों बन बट आर स्क्वायर, बीच की दूरी मान लो आर है तब। तो देखो तो जितना बल से Q1 Q2 को ढकेल रहा था उतना ही बल के मान से, देखो मान बराबर है, उतना ही मान से Q2 Q1 को भी ढकेल रहा। फॉर्मूला देखो ना सेम आ गया, एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1 ही बोलो या Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। नहीं, अब हुआ क्या, क्या चेंज हुआ, तो डायरेक्शन चेंज हो गया, आर टू वन यूनिट वेक्टर, मतलब वन टू की ओर बल लगा रहा और टू वन की ओर बल लगा रहा, तो दोनों का डायरेक्शन चेंज है, एक दूसरे का अपोजिट है। लेकिन जितना बल से Q1 Q2 पर बल लगाया उतना ही बल का मान Q2 कितना लगाया, Q1 पर लगाया, मतलब Q1 Q2 पर मान लो इसका मान 10 न्यूटन है, तो ये भी तो बड़ी चीज है, तो इसका भी मान कितना होगा 10 न्यूटन। तो ध्यान रखना कि कूलाम बल दो स्थिर आवेशों के बीच लगता है, और स्थिर आवेशों के बीच इसलिए लगता है, आवेश गति क्यों नहीं कर रहा, स्थिर आवेश क्यों बोल रहा है, क्योंकि Q1 जितना Q2 पर बल लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पर बल लगाएगा। अब मान लो कि ये हमारा हाथ, समझो ये एक आदमी एक ही आदमी, ये इसको खींच रहा इधर आओ, ये खींच रहा इधर आओ, और जितना बल से ये इधर खींच रहा है उतनी बल से ये इधर खींच रहा है, तो ये किधर जाएगा, किसी की ओर नहीं जाएगा, तो ये चार्ज बिल्कुल उसी तरह से है जैसे है वैसे ही क्या रह जाएगा, इसकी रह जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कूलाम बल किसके बीच लगता है, स्थिर आवेशों के बीच लगता है। तो ये हो गया F21 का मान, इसी रूप में रहने देते हैं, तो देख ले दोनों से, चूंकि F12 का मान, मान के लिए क्या लगाएंगे मॉड, और F21 का मान क्या रहता है हमेशा बराबर रहता है, लेकिन हम माइनस दिखाएंगे, माइनस क्या बताएगा कि डायरेक्शन क्या है दोनों का अपोजिट है। तो कभी भी करें कि क्वेश्चन में आपको ध्यान देना, सब बेसिक क्वेश्चन होता है बाबू, कि क्वेश्चन करें कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर, स्थिर चार्ज पर 15 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो दूसरा पहला पर कितना लगाएगा, तो वही 15 न्यूटन का बल लगाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर, तो क्यू वन जितना से क्यू टू पर, अरे फॉर्मूला ये भी लिखोगे एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, मान लो क्यू वन लगा रहा है क्यू टू पर, तो क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर या क्यू टू क्यू वन बटा आर स्क्वायर, तो मान तो वही आ जाएगा, तो मान दोनों का क्या रहता है बराबर रहता है, जिसका क्या रहता है विपरीत हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं कूलाम के नियम का लिमिटेशन क्या होता है बाबू, कहां तक कूलाम का नियम हम लगा सकते हैं। तो कूलाम के नियम की, कूलाम के नियम की सीमाएं, ये दो नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। देखिए पहला लिमिटेशन है कि कूलाम का नियम हमेशा किसके बीच लगेगा, बिंदु आवेश स्थिर आवेश के बीच। हम फिर से कह रहे हैं कूलाम का नियम केवल किसके लिए एप्लीकेबल होगा, जब आवेश स्थिर होगा, अगर आवेश गतिशील होगा बाबू, तो ये चार्ज यहाँ यहाँ यहाँ, ये चार्ज यहाँ यहाँ यहाँ, तो मूव करता रहेगा, तो ये जो r दूरी है वो लगातार बदलता रहेगा, और जब r बदलता रहेगा तो हम ये फॉर्मूला जो लगाते हैं एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर, तो ये r का एक निश्चित वैल्यू नहीं मिलेगा और हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि r बदलता जाएगा जैसे जैसे मूव करेगा तब, लेकिन हम ये फॉर्मूला आर दे रहे हैं, मतलब Q1 Q2 एक निश्चित बिंदु पर स्थिर है, ठीक है। तो ये कूलाम का नियम केवल तभी लगाइए, दो आवेशों के बीच का बल आपको निकालना है, तो वो बल कूलाम के नियम से तभी निकलेगा जब दो आवेश क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। ध्यान रखना दो स्थिर आवेश के बीच का बल ही हम किस पे निकाल सकते हैं, कूलाम के नियम से। अगर आवेश गति करेगा अर्थात करंट कहेंगे हम इसे, अगर इलेक्ट्रिक करंट में फोर्स निकालना रहेगा तो हम कूलाम के नियम से नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि वहां पर का चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है, और जब फ्लो होगा तो आर का मान बदलेगा, और आर बदलेगा लगातार तो हम आर का कोई निश्चित मान पुट नहीं कर सकते। तो पहला सीमा हो गया कि कूलाम का नियम, कूलाम का नियम हमेशा केवल
स्थिर आवेश, मेघ के लिए स्थिर आवेश के लिए मान्य है। ठीक है, तो जहां स्थिर आवेश के बीच का बल निकालने का आएगा तभी आप खुला नियम से निकालोगे उसके बीच का बल। अगर वो मुख गगा है तो वहां पर आप कूलम्ब के नियम से दो आवेशों के बीच का बल नहीं निकाल सकते हो। दूसरा, अगर दो आवेशों के बीच का बल, अगर दो आवेशों के बीच का बल, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी लिखिए के बीच की दूरी 10^-14 से कम होता है तो वहां कूलम्ब के नियम के द्वारा बल ज्ञात नहीं होता है। ठीक है, क्या कहें कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी, देखो ये एक चार्ज है एक ये चार्ज है, बीच की दूरी जो है वो हम कितना कर दिए, 10^-14 मीटर, मीटर लिख लीजिए, 10^-14 मीटर, मैंने बहुत 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 छोटा, जब बहुत बहुत छोटा है बाबू, दोनों के बीच की दूरी बहुत 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 कम है, तो देखिए बल का मान कितना हाई हो जाता है। अब मान लो ये बहुत छोटा चार्ज है, ये बहुत छोटा चार्ज है, अब दोनों को बहुत कम दूरी पर रखे तो बहुत थोड़ा बल लगेगा, चार्ज छोटा है तो। लेकिन अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो देखो क्या होता है, 1/4π0, मान लो q1 q2 r2, देखिए क्या हो जाएगा, इतना का मान 9×10^9, और चार्ज बहुत छोटा हम लेते हैं, सबसे छोटा चार्ज कितना होता है 1 कूलम्ब, तो 1-1 ले लेते हैं, तो छोटा चार्ज है तो बल भी छोटा होगा, लेकिन क्या हो रहा है, देखो 10^-14 तो -14 करोगे तो 10^-28, 28 ऊपर ले जाओ तो 28+ हो जाएगा, ऊपर जाके 28 और 9 मिलके कितना हो जाएगा 37, यानी 9×10^37 न्यूटन, जो बहुत हाई वैल्यू हो गया, और इतना वैल्यू का फोर्स नहीं लगता दोनों के बीच, इसीलिए कूलम्ब का नियम 10^-14 से कम पर एप्लीकेबल नहीं होता है। ये कूलम्ब के नियम की क्या है, सीमाएं है। ठीक है, तो ये 2 नंबर में आता है आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में कि कूलम्ब के नियम का सीमाएं लिखे। तो पहला सीमा क्या हो गया कि कूलम्ब का नियम हमेशा स्थिर आवेश के लिए मान्य होगा, और जब दो आवेशों के बीच की दूरी 10^-14 मीटर से कम होगा वहां कूलम्ब के नियम हम नहीं एप्लीकेबल कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है, और एक छोटे से चार्ज के लिए फोर्स का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, जो कि दिखाई ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो कूलम्ब का नियम वहां पर मान्य नहीं करता है। ये हो गए हैं सीमाएं। ठीक है, अब जरा सा देख लो कि हम निरपेक्ष वैधता है उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, अब साइलेंट लार को कैसे डिफाइन करते हैं, जरा सा देख लीजिए, ये भी 2 नंबर में पूछता है। तो हवा में दो आवेशों के बीच, देखो हवा में दो आवेशों के बीच का बल कितना आया, 1/4π0 q1 q2/r2, और किसी माध्यम में जब हम दो आवेश को रखें, किसको छोड़कर, हवा को छोड़कर, और किसी माध्यम में रख दिए, हवा को छोड़कर जल में रख दिए, कांच में रख दिए, और कोई भी माध्यम में हम रख दिए चार्ज को, तब दोनों के बीच का बल का फॉर्मूला होता है 1/4π0εr^q1q2/r2। यहाँ एप्सिलॉन r का मान क्या हो गया, 1, जो हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर दो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो हो जाएगा एफ ऑफ हवा बटा एफ ऑफ माध्यम बराबर, यहाँ हो जाएगा 1/4π0q1q2/r2, अब बटा यहाँ हो जाएगा 1/4π0εr q1 q2/r2।
ये तो कटेगा आपका एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन से ये कट जाएगा। अब साइलेंट आर कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब साइलेंट आर जिसको क्या कह रहे थे, माध्यम का सापेक्ष वैद्युतता, माध्यम का सापेक्ष वैद्युतता, इसका क्या है अब साइलेंट आर बराबर एफ ऑफ हवा बटा एफ ऑफ माध्यम। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या समझिएगा, तो अब साइलेंट आर बराबर आया हवा में दो आवेशों के बीच लगा बल तथा किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगा बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष वैद्युतता कहते हैं। ठीक है, इससे हम सापेक्ष वैद्युतता को डिफाइन कर सकते हैं। क्या कहेंगे, हवा में, चलो इसको डिफाइन कर ले, क्या लिखेंगे, हवा में दो आवेशों के बीच लगा बल, के बीच लगा बल तथा किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगा बल के अनुपात को क्या कहते हैं, सापेक्ष वैद्युतता कहते हैं। ठीक है, हम लोग देखिए साइलेंट आर बराबर क्या आया, एफ ऑफ हवा बटा एफ ऑफ माध्यम, माने दो आवेशों को जब हम हवा में रखें और वही आवेश को किसी माध्यम में रखें तो दोनों का जो अनुपात आया वो क्या कहलाया, सापेक्ष वैद्युतता कहलाया। देखो आप यहाँ से क्या समझोगे, थोड़ा सा देखिए और है थोड़ा सा है। तो अब साइलेंट आर इक्वल टू आया एफ ऑफ हवा बटा एफ ऑफ माध्यम। यहां से आप क्या समझ रहे हो कि F of हवा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन R, देखिए एप्सिलॉन R इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, इनटू F of माध्यम। ये मतलब क्या समझा रहा है कि किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगा बल, हवा में दो आवेशों के बीच लगा बल का मान माध्यम में रखे दो आवेशों के बीच के बल का कितना गुना होगा, एप्सिलॉन आर गुना होगा। यानी आपको कह देगा कि हवा माध्यम में, क्या कह देगा कि किसी माध्यम में बल लग रहा है, माध्यम में बल लग रहा है 10 न्यूटन का, एप्सिलॉन आर का वैल्यू भी 10 है, तो बताइए हवा में कितना गुना इससे ज्यादा बल लगेगा। तो हम कर देंगे एप्सिलॉन आर गुना एफ ऑफ मीडियम, मतलब 10 गुना 10 बराबर 100 न्यूटन, मतलब माध्यम से के गुना ज्यादा हवा में बल लग गया, 10 गुना ज्यादा लग गया। तो ये जो एप्सिलॉन आर है वो बताया कि हवा में माध्यम से के गुना ज्यादा बल लगता है 10 गुना। तो ये एप्सिलॉन आर बताता है क्या, एप्सिलॉन आर बताता है वो मान जिसमें हम बता सकते हैं कि दो आवेशों को जब हम माध्यम में रखते हैं और फिर जब उसे हम हवा में रखते हैं तो हवा में माध्यम से के गुना अधिक बल लगता है। ठीक है, तो देखिए जैसे और भी देख लो, जैसे और कह रहे हैं आप साइलेंट आर का मान है आपका 5, तो हम कहेंगे कि बताइए हवा में जब दो आवेश को रखेंगे तो बताइए इससे के गुना अधिक बल लगेगा, तो आप सीधे कह सकते हो 5 गुना अधिक लगेगा, 5 गुना एफ ऑफ माध्यम हो गया तो 5 गुना अधिक लगेगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे दिया, देखो अब साइलेंट आर का वैल्यू है 5 और माध्यम में दो आवेश को किसी माध्यम में रखे तो बल लग रहा है 10 न्यूटन, तो आपको कहेगा बताइए हवा में कितना बल लगेगा, तो माध्यम में जितना बल लग रहा है उसमें आप एप्सिलॉन आर से क्या करोगे, गुना करोगे, यानी 50 न्यूटन। 50 न्यूटन क्या बताया कि माध्यम का 5 गुना अधिक बल लग रहा है जब उसको, उस चार्ज को हम कहाँ रख रहे हैं, किस माध्यम में, हवा में।
तो अब साइलेंट आर ये वैल्यू बताता है, ध्यान रखना। अब साइलेंट आर का मान हम 20 लिख दिए, देखो यहाँ 5 लिखे तो 5 गुना हुआ, 10 लिखे थे 10 गुना हुआ। अब साइलेंट हम 80 लिख देंगे तो ये हम कहेंगे क्या बता रहा है, तो आप कहोगे कि अब साइलेंट आर का मान 80 बता रहा है कि हवा में दो आवेशों के बीच का बल किसी माध्यम का कितना गुना है, 80 गुना है। ठीक है, अब साइलेंट आर का मान हम 100 का लिख देंगे, वो क्या बताएगा कि हवा में दो आवेशों के बीच का जो बल लगेगा वो किसी माध्यम का कितना लगेगा, 100 गुना लगेगा। तो अब साइलेंट आर यही बताता है दो आवेशों के बीच हवा और किसी माध्यम में लगे बल का अनुपात बताता है कि हवा में जो बल लग रहा है वो किसी माध्यम से कितना गुना ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो भी अब साइलेंट आर का मान 6 दे दिए तो कहेंगे 6 गुना ज्यादा होगा, अब साइलेंट आर का मान 7 दे दिया तो कहेंगे 7 गुना ज्यादा होगा हवा में बल, अब साइलेंट आर का मान 10 दे दिया तो कह देंगे 10 गुना ज्यादा होगा। ठीक है, इस तरह से हम बता सकते हैं। क्लियर हो गया, तो आपका ये जो चैप्टर है कूलम्ब का नियम ये समाप्त हुआ। कूलम्ब लॉ एक बार देख लो, एक बार यहीं से स्टार्ट था। दो कूलम्ब ने क्या कहा, दो समान आवेश विकर्षित और विपरीत आवेश आकर्षित करेंगे, और उसको उन्होंने नियम दिया कि जब दो आवेश को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखेंगे तो उसके बीच लगने वाला आकर्षण विकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को एक साथ लिखा गया, समानुपाती हटाया गया, कांस्टेंट लिखा गया, कांस्टेंट का मान रखा गया 1/4 ε₀ ε₀, ये मान कब रखेंगे जब दो आवेश माध्यम में होंगे। ठीक है, अगर माध्यम हवा है तो हवा के लिए ε₀ ε₀ को क्या कहते हैं, हवा निर्वात का निरपेक्ष वैद्युतता, ε₀ को कहते हैं सापेक्ष वैद्युतता, और ε₀ बराबर होता है ε₀ जिसको हम कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं निरपेक्ष वैद्युतता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि हवा में रखते हैं तो साइलेंट आर का मान 1 होता है, और इस तरह से, और धातु के लिए इनफाइनाइट होता है। सबका वैल्यू देख लिए, और फिर डायरेक्शन के लिए देखिए कि यूनिट वेक्टर का उपयोग करते हैं, और कूलम्ब के नियम की सीमाएं देख लिए कि कूलम्ब का नियम नियत आवेश के लिए होगा, इतना से ज्यादा होगा तो नहीं होगा। ठीक है, फिर हम लोग एप्सिलॉन आर दिखाए, एप्सिलॉन क्या बताया, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को बताया कि हवा में कितना गुना ज्यादा रहेगा, तो जितना एप्सिलॉन आर का वैल्यू होगा उतना ज्यादा लगेगा। तो आज का यही तक, ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, आप देखना न्यूमेरिकल इसका, फिर हम अगले चैप्टर में अगले डे इसका न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, आज की क्लास यही तक।